अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज फाइनली मेरी अम्मी जो है मेरी ईदी ले आई हैं, और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। सारा सामान और मेरा सामान, और ये जो है ये कोट भी है एक। मैं आपको अभी जो है वो खोल के पूरी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, एक एक चीज़ दिखाऊंगी। हाँ, ये कोट है, ठीक है। ये भी मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ। पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले मैं इससे स्टार्ट करती हूँ, इससे इसको खोल के आपको एक एक सारी चीज़ें दिखाती हूँ क्या क्या आया है, और फिर हम बारी बारी सारी मैं आपको दिखाऊँगी। तो जी गाइस, सबसे पहले ये बास्केट है जिसके अंदर दो सूट हैं। ये एक फैंसी है जो मैं पहनूंगी ईद के ऊपर। एक आया है ये ड्रेस, ये मैं आपको सोच रही हूँ अभी खोल के दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ, या फिर मैं बाद में दिखाऊँ। ये मैं आपको अभी, बल्कि ये जो है मैं मेरा ईद का ड्रेस है, तो मैं ईद पे ही आपको दिखाऊँगी, जिस दिन ईद होगी ईद वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी। उसके अलावा ये क्लच है जो कि आया है इस सूट के साथ। ये जो है वो नॉर्मल लॉन का सूट है, और उसकी मैचिंग का ये क्लच है, ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरी बास्केट की तरफ, और दूसरी बास्केट में आप जैसे देख सकते हैं सारा जो है वो निम्को और खाने पीने की चीज़ें। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, शनाज़ खोलो से। तो जी गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये खुल गया है, और अब जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें फेनी, ये यूनाइटेड किंग की फेनी है, और उसके बाद ये क्या है, चटखारा पापड़ी, ये पापड़ी है, और ये है ज़ीरा पूरी, पता नहीं क्या है इसका नहीं पता। ये है बूंदी, शायद ये वो है जो दही बड़ों में डालते हैं ना, वही है बूंदियाँ जो होती हैं, हाँ ये वही है। और ये है फ्रेंच हार्ट, ये मुझे वो लग रही है जो मुस्तफ़ा खाते हैं, बाकर खानी, ये बाकर खानी है। और ये है, ये क्या है, डेट डिलाइट, मतलब ये वाली फैंसी वाली जो डेट्स होती हैं वो लग रही है। हाँ देखो, इस पर डेट बनी हुई थी, हाँ वही है ना। ये है नान खटाई, और ये है केक रस्क जो पापे होते हैं हमारे पास। ये हैं फुल्कियाँ, ये हैं दही बड़ों वाली, दही बड़ों वाली फुल्कियाँ, और ये है चाट मसाला। तो इस बास्केट में ये सारी चीज़ें थी। अब हम जाते हैं दूसरी बास्केट की तरफ। तो जी गाइज, ये वो बास्केट है जिसके अंदर जो है मेरे ख्याल से मेकअप आया है। अभी आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। हाँ जी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसके अंदर है चूड़ियाँ, ये शायद मेरी ड्रेस की मैचिंग की हैं, और ये और हैं जो शायद उस वाली ड्रेस की मैचिंग की हैं, और इसमें और चूड़ियाँ हैं। बाकी इसमें जो है मेकअप है रेवोल्यूशन का, ये माहिन भाजी ने भेजा है, थैंक यू सो मच माहिन भाजी। और ये है परफ्यूम, ये मम्मा लेकर आई हैं, और हाँ अभी एक मिनट खोल के दिखाते हैं। और ये भी माहिन भाजी ने भेजा है, थैंक यू। तो ये अभी जो है शनाज खोल रही है, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। वाओ, इसमें ये एक कॉन्टोर की कॉन्टोर है, क्रीम कॉन्टोर पैलेट है, क्रीम कॉन्टोर पैलेट है, और ये फाउंडेशन ड्रॉप्स हैं, और ये कंसीलर है, इसमें ये है, ये किट है प्रॉपर। और दूसरी वाली में हमारे पास तीन जो है वो शिमरी शेड्स हैं। ओह शिट, देखें तीन जो है इसमें शिमरी शेड्स हैं, और ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, मैं आपको ये लगा के दिखाऊँगी। और इसके अलावा जो हम जाते हैं दूसरी बास्केट, हम वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो जी गाइस, ये वाली बास्केट है, इसमें जो है वो मुस्तफ़ा की ईदी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो मैंने पैक की थी। इसमें जो है मुस्तफ़ा की वो शलवार कमीज़ हैं, कुर्ता पजामा जो वो ईद पे पहनेंगे, जो कि मेरे कलर से मिलते जुलते हैं ताकि हम दोनों ट्विनिंग कर सकें। और उसके अलावा ये एक इसमें शर्ट है, ट्राउज़र है, और एक लिफाफा मिला है मुस्तफ़ा को, और जो है ये उनके लिए, ये मैं खुद ही ख़रीद के लाई थी, ये एक चप्पल है, सैंडल है, पता नहीं क्या है, चप्पल है मेरे ख्याल से ये है। और एक जो है वो मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट दिया है ईदी का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो है ये सूट, ये देखो मुझे सूट मिला है चुनरी का, और इसको मैं अभी ईद के बाद सिलने के लिए दे दूँगी।
और अब मैं आपको वो बास्केट दिखाऊंगी जो मुझे अलीशा ने दी है, और बस उसके बाद मेरी ईदी कंप्लीट हो जाएगी। तो जी गाइज, ये है लास्ट बास्केट जो अलीशा लेके आई है। थैंक यू सो मच अलीशा, आप मेरे लिए ईद का गिफ्ट लाएं। थैंक यू। अच्छा, इससे सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसे लेस हैं, लेस बड़ी मेहनत से बास्केट बनाई है। और ये फ्लावर्स हैं। थैंक यू, थैंक यू। और गजरे हैं, वाह वेरी नाइस, थैंक यू। और इसके साथ चूड़ियाँ भी हैं, थैंक यू। और ये है बॉम्ब शेल विक्टोरिया सीक्रेट का जो परफ्यूम होता है छोटा वाला, जो टेस्टर है मेरे ख्याल से। और इसके अंदर भी कुछ है, दिखाओ खोल के। अच्छा, तस्बीह है मेरे ख्याल से। हाँ, ये तस्बीह है। और ये विक्टोरिया सीक्रेट का जो है वो बॉम्ब शेल का, नहीं नहीं इतना नहीं है ये, ये टेस्टर है मेरे ख्याल से, परफ्यूम का टेस्टर है। ये है चॉकलेट डेरी मिल्क, थैंक यू। ये है मेहंदी जो है मेरे, हाँ काशी की मेहंदी है, थैंक यू। ये क्या है, ये भी आपको खोल के दिखाते हैं, खोल के दिखाओ। और ये आप देख सकते हैं कितनी मेहनत की है इसने डेकोरेशन करने में। और ये भी है, ये क्या है, वाओ भाई वेरी नाइस। ये दिखाओ, एक मिनट की कुर्सी है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये शिमर है इसका, जिसने बताया था मरियम परवेज का, ये शिमर है आई शेड शिमर। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अभी। और ये एक कुर्ती है जिसने गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच अलीशा। तो सारी जो है ऑलमोस्ट ईदी कंप्लीट हो गई है, और सिर्फ एक चीज़ रह गई है जो मुझे आपको खोल के दिखानी है। शहनाज बहुत इंसिस्ट करिए कि खोल के दिखा दें, खोल के दिखा दें। वो ये कोट है जो माहीन बाजी ने भेजा है, मेकअप के साथ साथ उन्होंने कोट भी भेजा है, तो इसलिए थैंक यू। ये आप देखें कितना प्यारा है, कितना अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी करने बाहर। आज है 29th रोज़ा, पता नहीं कल ईद होती है नहीं होती, आज रात, आज को चांद रात होती है नहीं होती, लेकिन आज ही मैं रात में ये एडिट करके डाल दूँगी व्लॉग। ये मैंने अभी ये ड्रेस है जो मैंने निकाला है अपने लिए, जो अभी पहन के जाऊँगी। और हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन जशन अफ्तारी करने, वहाँ पे बूफे है बहुत अच्छा, मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जी गाइस, अब हम नीचे आ गए हैं, अब हम जाएंगे। आप देख सकते हैं तैयार हो गई हूँ, मैंने ये वाला बैग लिया अपने साथ सब दिखाने के लिए। और जो ये बैग लिया है, ये मैंने सैंडल पहनी है, सैंडल पहनी, चप्पल पहनी, और कपड़े तो मैंने आपको दिखा ही दिए थे अपने। अब हम जाएंगे और मैं आपको वहाँ जाके मिलती हूँ। गाइज, हम लोग जो है वो बहरिया टाउन पहुँच चुके हैं जैसे आप देख सकते हैं, और अभी जो है हम अंदर एंटर हो रहे हैं, और अभी हम लोग जाएंगे जशन। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके, पता नहीं कहाँ है वो, अभी फिर हम ढूंढेंगे फिर जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा है इन्होंने ईद मुबारक का लगा दिया है, तो क्या लगा दिया, इतना अच्छा लग रहा है। ईद अभी कहाँ से आ गई, हम लोग जो है वो जशन पहुंच चुके हैं जैसे आप देख सकते हैं। मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, फैंस आ गए, ये मेरे फैंस आना शुरू हो गए, ये तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सपाट। तो जी गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बना हुआ है। Thank you.
अभी देख सकते हैं यहाँ पे गोल गप्पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे स्लाइडर्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट चाट है, और इस तरह की सैलड पड़े हुए हैं, इधर सॉसेस पड़े हुए हैं, और ये पूरा बूफे है। ये अभी फिलहाल खाली है, यहाँ पर है चना तरकारी, अभी देख सकते हैं ये पालक पनीर, और यहाँ पे सारा सामान लग रहा है। जी गाइज, मैंने अपनी प्लेट बना लिया, मैंने एक स्लाइडर लिया है, एक फ्राई फिश का पीस लिया, मोरक्कन चिकन लिया है, और ये पता नहीं क्या है, रेशमी कबाब में मेरे ख्याल से राइस लिया, और मुस्तफा अपना ले रहे हैं अभी मेरा मोरक्कन चिकन। जी गाइस, आप देख सकते हैं आज चाय आ चुकी है, नहीं है इतना।